वही बात है। और क्या, कभी कभी कठिन बातें भी सरल लगती हैं। और क्या, और क्या, क्योंकि जितना कठिन कोई गाएगा वो सरल लगेगा। और क्या, और अगर सरल गा दिया जाए तो बड़ा कठिन होता है। और क्या, कठिन गाना सरल है लेकिन सरल गाना बड़ा कठिन होता है। कठिन काम सरल लगता है, कभी अमृत भी गरल लगता है। क्या वर्ष है, संजय भी है, कुछ नया हो जाए। और क्या, क्योंकि जब लोग YouTube पर सुनेंगे तो कहेंगे कुछ नया मिल रहा है। वही लोग सुनते रहे, कहेंगे वही गाने हो रहे हैं। और क्या, यहाँ सुने और जब भी लोग सुने YouTube पर तो उनको भी लगे कुछ नया गाया जा रहा है। सुनेगा कि सुने, आपने कहा कि हरी हर का प्रादुर्भाव हो गया, जय हो, वहीं से कटपीस को ले रही हूँ। कि छीर का जो है चुरैया, बहन जी, छीर का जो है चुरैया, छीर का जो है भवैया, छीर सागर में लेटा, छीर
घर में लेटा छीर का जो है मथैया, छीर सागर में लेटा छीर का जो है मथैया। अरे धैर्य बनैया हो, भाव रख भैया हो, धैर्य बनैया भाव रख भैया, श्री विष्णु है मोरी मैया। भगवान भोलेनाथ ने भगवान विष्णु से कहा था कि प्रभु मुझे वही मोहिनी रूप दिखा दीजिए। भगवान ने वही मोहिनी रूप धारण किया, भोलेनाथ मोहित हो गए और दोनों का संगम हुआ तो एक पुत्र का प्रादुर्भाव हो गया जिसका नाम है हरिहर। और बहन जी ये केवल मैं नहीं, आज भी हरिहर देवता बस यूं उंगली लगाए बैठे हैं, सोच रहे हैं और उनका ही सवाल है, मेरा नहीं है। घर से भूखी आई हो क्या? पहले बता देती तो फिर बुझिया गया। हम तुमको कचौड़ी पूड़ी जो कहती वो बना के लाते। ओका लिज्जत पापड़। हेलो, इसकी वॉइस ठीक करो भैया। हेलो हेलो हेलो, जैसी थी बिल्कुल वैसी कर दीजिए, हम लोग को भी देख लीजिए। हेलो 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 चेक, हेलो हेलो। आप कम होंगे तो हम लोग कम होंगे, हम कम हुए तो ये कम होंगे। हेलो, इसलिए ये दोनों बचा के रखना है। हेलो हेलो, बहुत सुंदर बढ़िया बिटिया। कल्पना ये बात तुमको नहीं बतानी चाहिए। क्या? हम लोग ऐसे घराने से हैं, पिताजी ने ऐसे संस्कार नहीं दिए। पिताजी क्या बुजुर्गों ने भी बताया है, खाना पकाना घर में होता है पिताजी, होता है कुछ चीजें यानी बंद में होती हैं। अगर तुमको खाना ही था, तुमने कहा पहले चक्कर में हलवा फिर गुजिया फिर जगदीश बाबा का मिठाई तो लाए होंगे आप, और क्या। इतनी बड़ी हो गई है, सिखाते सिखाते परेशान हो गए, लेकिन तुम सीखे ही नहीं। मांग के खाना, फिर कहती हूँ दीदी डांटती है हमें, न जाने कब सीखेगी। मांग के ना खाइए, बांट के खाइए। हाँ, जो मिला है। हम लोग को भी मीठा बहुत पसंद है। क्या बात है भाई। हाँ, देखना वायरस तो नहीं आ गया कानपुर वाला। कीड़े पड़ेंगे लेकिन कुछ लोगों को काटेंगे बस। चलिए, ये तो हंसने हंसाने के लिए है।
अच्छी बात है, इतना स्नेह प्रेम तो हो। जो लोग आजकल 15 मिनट का टाइम नहीं है, लोग नमस्कार तो दूर से पैर छूने नहीं जाते, लोग वहीं से कहते हैं पाए छुई, मैं खुश रहो भैया, वो सब ठीक है, झुकने का भी टाइम नहीं है। लेकिन आप लोग यहाँ पर सुन रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है जो इतने लोग यहाँ पर एकत्रित हैं, हैं सब कुछ। लेकिन मेरा नहीं होता, मोबाइल चलाते ही नहीं, ये वायरस हम तक नहीं है, ये बात सही। ना 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 ना, बिल्कुल वाकई में मैं फोन नहीं चलाती हूँ, कोई जरूरत ही नहीं है। हम जानते आपने देखा है क्या, हो ही नहीं सकता। आइए, बहुत सुंदर सा आपने जवाब दिया था कल्पना जी, बात वही आती है जैसा आपने कहा, हमने तो सोचा आप गुजिया लाएंगी लेकिन आप तो बहुत कुछ ले आए। ठीक है, मैंने आपको तीन बातें दी थी अपने गीत में कल्पना जी, खेल ही खेल में नयन तीसरा वो प्रगटाने वाले, खेल ही खेल में चरण तीसरा वो प्रगटाने वाले, खेल ही खेल में बदन तीसरा वो प्रगटाने वाले। आपने कहा रिंकी जी ये मैंने तो पढ़ा नहीं है, पता नहीं आपने कहां से पढ़ लिया। अरे बेटा ये मेरी समस्या नहीं है, आपने नहीं पढ़ा, अब मुझे दुख हो रहा है कि इतनी बड़ी आप कीर्तन कर रहे हो, आपने ये बात नहीं पढ़ी, अब नहीं पढ़ी है तो आप हमसे बताया है, हम तुमको पुस्तक देंगे, उसको घर में बैठ के आराम से पढ़ना। सही है, लेकिन आप जानती हैं रिंकी तिवारी कभी कपोल कल्पित नहीं गाती, अगर मुझसे नहीं बनेगा तो मैं जवाब नहीं दूंगी। अब देखिए आपने कहा ये कहां है मुझे पता नहीं है, जिस समय एक पग में वामन भगवान ने भूमंडल नाप लिया, समझते रहिए, दूसरे पग में नव मंडल नाप लिया। अब देखिए कुछ नहीं, एक पैग नीचे है एक पग ऊपर है, अब समस्या है आपने कहा ये कहां है। अब जब दोनों नाप लिए कहां, तीसरा पैर कहां, अब तीसरा पग तो है नहीं, तो बस होशियारी की राजा बलि ने, अब प्रभु आपके पास तो तीसरा चरण भी नहीं है, एक नीचे है एक ऊपर है, अब तीन चरण तीन पग के लिए संकल्पित हैं, अब क्या करेंगे। और जैसे इतना कहा वामन भगवान ने तीसरा पग अपनी नाभि से प्रकट कर दिया। अब यहाँ पर विद्वान जनमानस एकत्रित हैं कल्पना जी, क्योंकि गीत ऐसे नहीं खोलती हूँ मैं, यहाँ पर मुझे इस गीत को खोलना पड़ा, मैंने ये गीत अभी तक कहीं गाया नहीं था। हमें और आपको बुलाया गया है तो कुछ नया देने के लिए बुलाया है, और आपने कहा मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ा है, मैंने बताया है, यहाँ पर प्रबुद्ध जनमानस है, किसी न किसी ने जरूर पढ़ा है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो मैं पुस्तक भी बता दूंगी, पेज नंबर भी बता दूंगी आपको, लेकिन ऐसे नहीं बताएंगे, घर आओ कुछ दे, बड़ी बहन है लेना ही थोड़ी ना होता है। सही, अब बराबर के हो गए, रिंकी तिवारी हैं तो कल्पना दुबे हैं, बराबरी से हैं, हो छोटी तो क्या हुआ। लेकिन पुस्तक नहीं देंगे लेकिन दिखा देंगे, इसलिए बेटा ये मत कहा करो कि ऐसा नहीं है, ये अथाह सागर है, इसको कोई भी कहीं से भी पढ़ सकता है। सही, इसलिए हो सकता है आपने नहीं पढ़ा लेकिन हमारे राइटर महोदय ने पढ़ा है, उन्होंने लिखा है तभी तो गाया है, वरना इतने प्रबुद्ध जनमानस में मैं कैसे गा देती। अच्छी बात है, लेकिन आइए आगे चलते हैं, बहुत सुंदर सी प्रस्तुति आपने सुनी है, सबसे पहले आपने जो कड़बीस गाई है उसका मेरी ओर से प्रयास सुने, और उसके बाद जो आपने गीत गाया है बहुत सुंदर सा गीत आया है उसका मेरी ओर से प्रयास। और ये भैया क्या नाम बताया आपने, रानू सिंह भैया, हमारे रानू भैया की ओर से ये एक सौ रुपए आए हैं, कोटि कोटि धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, आशीर्वाद की कामना है भैया से। हेलो 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 हेलो, भैया ये कम हो जाता है, थोड़ा इसको बढ़ाए रखिए, गाएंगे तब बढ़ जाएगा। अच्छा ठीक, हेलो 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 हेलो।
और जो ये पीछे बॉक्स में जो वापसी आप दे रहे हैं इनको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, वापसी कम मिल रही है लोगों को। हेलो 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 हेलो, ठीक है भैया बहुत सुंदर, अब मेन माइक आप बढ़ाते रहिए। ठीक हेलो कौन जी जी एक तर्ज गाई है बहुत सुंदर सी तर्ज आई है, सुने पहले आप। मारे दिल को बस में करके दिल से बहुत सुंदर सजाई है। और जो बात आप लाई हैं वो भी बहुत अच्छी आई है, बाकी बढ़िया था, कोरस थोड़ी कमजोर लग रही है। अब उम्र देखो चच्चा है तो भी ठीक है, लेकिन बच्चा भी तो साथ में है। बहुत अच्छी सी बात आपकी ओर से आई है। छीर का जो है चुरैया, छीर का वो है खवैया, छीर सागर में लेटा छीर का जो है नथैया, विष्णु के पीछे लक्ष्मी फिरे भागे, ये हमारी कौन लागे, ये हमारी कौन लागे। बहुत अच्छी बात आप लाई हैं कल्पना जी। अधिक मंथन करने से, अधिक बातचीत करने से कोई फायदा नहीं है, ये हमारी कौन लागे। आइए मैं भी बस यहीं से चलती हूँ और कुछ प्रयास कर रही हूँ, शायद आपको अच्छा लगे। बहन जी सुने, क्योंकि भगवान श्री कन्हैया लाल पूर्ण ब्रह्म कहाए हैं, पूर्ण ब्रह्म कहाए हैं, लेकिन फिर भी ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, सभी लोग अचंभित हो जाते हैं। और जब अचंभित हो गए तो देखिए, अगर इधर चीर चुरैया, छीर चुरैया, छीर के नथैया, बहुत सारी बातें आपने लगाई हैं, तो आए मैं भी कुछ प्रयास करती हूँ। सुने कल्पना जी, सुनाइए। अरे माखन का जो है खवैया, हाँ।
सुने भैया, माखन का जो है खवैया, माखन का जो है खवैया, माखन का जो है खवैया, माखन का जो है गिरैया। क्या बात है। नच रही है, उनको परेशान कर रही है कि एक कन्हैया अरे एक बार तो इधर आ जा। और जब ऐसा कहा तो सभी लोग परेशान होकर भगवान कन्हैया छोटे से बाल रूप में है और कहने लगे क्या, कान्हा के पीछे सारी गोपियां भागे रे भागे, गोपियां भागे रे देखो गोपी भागे, ये इनकी कौन कौन लागे, तो इधर वो कन्हैया जी जो इधर खींच रही हैं, उधर खींच रही हैं गोपिका, तो वो भी परेशान हो गई है, हमारी कौन लागे। आइए।